हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमेशन गाइड, इजी वे टू एनिमेशन। हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया था कैलेंडर चेंजिंग एनिमेशन। उस वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे एक कैलेंडर चेंज होता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है। तो गाइस, आज का टॉपिक है विलेजर कैरेक्टर मेकिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक विलेजर कैरेक्टर बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विलेजर कैरेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले एक ड्राइंग ले लीजिए। मैं यहाँ पे एक ड्राइंग लिया हूँ, आप पहले अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले इस ड्राइंग को ट्रेस कर लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि ट्रेस करते समय मैग्नेट हमेशा ऑन रहना चाहिए। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ट्रेस करते समय बॉडी के हर एक पार्ट अलग अलग ग्रुप में होना चाहिए, इस तरह से। अब मैं हैंड के अपर पार्ट ट्रेस कर रहा हूँ। बॉडी के हर एक पार्ट को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल जी प्रेस कीजिए और उसके बाद उस पार्ट को ट्रेस करिए, तो वो अपने आप एक ग्रुप में आ जाएगा। देखिए, अब मैं हैंड के अदर पार्ट को ट्रेस कर रहा हूँ, इस तरह से। तो देखिए, हैंड के दोनों पार्ट अलग अलग ग्रुप में है। अब हैंड के पाम को बना लीजिए। यहाँ पर भी पाम के जो फिंगर है वो अलग अलग ग्रुप में होगा, ताकि कैरेक्टर जो स्टिक पकड़ा हुआ है वो ठीक से दिखाई दे। अब बाकी फिंगर को आप बना लीजिए, इस तरह से। आप समझ रहे होंगे किस तरह से ट्रेस करना पड़ेगा। आप बॉडी के कोई भी पार्ट ट्रेस करिए, उसको अलग अलग ग्रुप में रखिए, ताकि बाद में लेयर अप डाउन करने में आसानी हो। अब चारों फिंगर को एक साथ ग्रुप में ले लीजिए। अब इस फिंगर को भी एक और ग्रुप में ले लीजिए। अब पाम का लोअर पार्ट एक अलग ग्रुप में ले लीजिए। तो देखिए, पाम के अंदर तीन ग्रुप है। एक ग्रुप में पाम का लोअर पार्ट है, एक ग्रुप में ये चारों फिंगर है और एक ग्रुप में ये अदर फिंगर है। अब टोटल हैंड को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस कीजिए, तो एक ही जगह पे पेस्ट हो जाएगा। और राइट साइड में मूव कीजिए। अब मॉडिफाई में जाइए, ट्रांसफॉर्म में जाइए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करिए। अब इसको ड्राइंग के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब मैं कैरेक्टर का जो धोती है वो बना रहा हूँ। इसको बनाने के लिए इस धोती को आप तीन पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक नॉर्मल कैरेक्टर का नी जहाँ तक आता है वहाँ तक आप एक ग्रुप में ले लीजिए। उसके बाद फिर से कंट्रोल जी प्रेस कीजिए और धोती का लोअर पार्ट बनाइए। अब फिर से कंट्रोल जी प्रेस कीजिए और लेग का जो लोअर पार्ट है वो बनाइए। तो देखिए, यहाँ पे धोती और लेग तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है। अपर पार्ट नी तक आएगा और धोती के लोअर पार्ट अलग होगा और कैरेक्टर का लेग का लोअर पार्ट अलग होगा। अब यहाँ पर आप फीट को भी बना लीजिए। आप समझ रहे होंगे किस तरह से धीरे धीरे जो ड्राइंग है वो एक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। आप अच्छे से समझ लीजिए, बॉडी का कोई भी पार्ट होगा वो अलग अलग ग्रुप में रहेगा। अब इस लेग को टोटल सिलेक्ट कीजिए और फिर से कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस कीजिए और राइट साइड में मूव करिए और फिर से मॉडिफाई में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करिए और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब धोती का जो अदर पार्ट है वो बना लीजिए। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीन फोल्ड हुआ है। इसके लिए आप तीन अलग अलग ग्रुप में इस पार्ट को डिवाइड करिए, इस तरह से। सबसे पहले एकदम छोटा पार्ट को आप बना लीजिए। अब बाहर आइए और फिर से कंट्रोल जी प्रेस करके मिडिल का पार्ट बनाइए।
और फिर से बाहर आइए और लोअर पार्ट को बनाइए। तो देखिए यहाँ पे कपड़े का ये तीन पार्ट अलग अलग ग्रुप में है। अब कैरेक्टर जो स्टिक पकड़ा हुआ है उसको बना लीजिए। एक रेक्टेंगल शेप लीजिए और अंदर का कलर डिलीट कर दीजिए। अब कैरेक्टर का फेस बना लीजिए। सबसे पहले कैरेक्टर का जो पगड़ी है वो बना लीजिए इस तरह से। कैरेक्टर का कोई भी पार्ट मैं बना रहा हूँ उसके लिए मैं अलग अलग ग्रुप ले रहा हूँ। अब पगड़ी के ऊपर जो स्ट्रेट कपड़ा है वो बना लीजिए। अब पगड़ी का जो लोअर पार्ट है वो भी बना लीजिए। अब फेस के अंदर आइए और ड्राइंग के हिसाब से फेस का आउटलाइन बना लीजिए। आप समझ रहे होंगे कि किस तरह मैं ये ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग कर रहा हूँ। इस तरह आप भी बहुत ही आसानी से कोई भी कैरेक्टर ट्रेस कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि ट्रेस करते समय मैग्नेट ऑन होना चाहिए। मैग्नेट ऑन होने से दो लाइन के जॉइंट आसानी से मर्ज हो जाता है। इसके वजह से कलर फिल करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब एक साइड को बनाने के बाद उसको कॉपी करके राइट साइड में मूव करके फ्लिप कर दीजिए तो फेस बन जाएगा। तो देखिए ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। राइट साइड में देखिए ड्राइंग है और लेफ्ट साइड में ट्रेसिंग पार्ट है। यहाँ पे आप देखिए बॉडी के हर एक पार्ट अलग अलग ग्रुप में है। अब मैं इस कैरेक्टर को कलरफिल कर रहा हूँ। सबसे पहले जो धोती है उसको कलरफिल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लेग का लोअर पार्ट धोती के ऊपर आ रहा है। उसको नीचे लेने के लिए उसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्रेस करके एरो की मदद से उसको नीचे ले जाइए। अब लेफ्ट साइड में भी कलरफिल कर दीजिए और मिडिल में भी कलरफिल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बॉडी के पार्ट अलग अलग ग्रुप में रहने से बहुत ही आसानी से मैं कलरफिल कर पा रहा हूँ। अब कैरेक्टर को एक बॉडी कलर दीजिए। यहाँ पे देखिए पाम को अलग अलग ग्रुप में रखने से ये अच्छे से कलरफिल हो रहा है और कलरफिल हो जाने के बाद कंट्रोल प्रेस करके एरो की मदद से इसको एकदम नीचे ले जाइए। अब बाहर में आइए और कंट्रोल बी प्रेस कीजिए। अब फिंगर को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्रेस करके ऊपर में ले आइए तो स्टिक के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से राइट साइड में भी आप कलरफिल कर दीजिए। अब फेस के अंदर आइए और बॉडी के हर एक पार्ट को कलरफिल कर दीजिए। फेस के अंदर जहाँ जहाँ हेयर होगा वहाँ पे आप ये कलर यूज कीजिए। अब कैरेक्टर का आई बना लीजिए। आई के अंदर जो आईबॉल है उसके अंदर आप एक हाईलाइट यूज कीजिए। तो देखिए धीरे धीरे कैरेक्टर कंप्लीट हो रहा है। अब जो पगड़ी है उसको भी आप कलरफिल कर दीजिए इस तरह से। अब कैरेक्टर का जो क्लोथ है वो बना लीजिए। यहाँ पे क्लोथ का मिडिल में जो डिजाइन है उसका कलर आप थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। अब हैंड के दोनों पार्ट सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके एरो की मदद से नीचे ले जाइए। तो देखिए इस विलेजर कैरेक्टर का कलर फिल कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से देख लीजिए कि कैसे बहुत ही आसानी से इस कैरेक्टर का कलर फिल किया हूँ। इस तरह आप भी कोई भी कैरेक्टर को बहुत ही आसान तरीके से ट्रेस करके कलर फिल कर सकते हैं और एक यूनिक 2D कैरेक्टर बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए बॉडी के हर एक पार्ट अलग अलग ग्रुप में है। अब यहाँ पे आप एक और चीज देखिए। सबसे पहले कैरेक्टर को कॉपी करके लेफ्ट साइड में मूव कीजिए
और यहाँ पे धोती का जो स्टाइल है वो चेंज करिए, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से कैरेक्टर का जो धोती है उसका स्टाइल चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पे एक अलग टाइप का धोती बना रहा हूँ। यहाँ पे धोती को दो पार्ट में डिवाइड करिए। लेफ्ट साइड में जो पार्ट है इसको थोड़ा सा छोटा रखिए, और राइट साइड में जो पार्ट है इसको थोड़ा सा बड़ा करिए। देखिए, यहाँ पे धोती के अंदर जाइए और एक बॉर्डर बनाइए, और राइट साइड का जो पार्ट है उसके मिडिल में भी एक बॉर्डर बनाइए। अब इसको कलरफिल कर दीजिए। तो देखिए, साउथ इंडियन स्टाइल का धोती बन गया है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब इस कैरेक्टर का कलर आप चेंज कर दीजिए। तो देखिए, विलेजर 2D कैरेक्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे कैरेक्टर को फाइनल कर रहा हूँ, इसलिए एक कैरेक्टर को आप ऑफ करके रखिए और एक कैरेक्टर को मिडिल में ले आइए। सबसे पहले कैरेक्टर का जो आउटलाइन है उसको चेंज करिए। क्लोथ के अंदर आइए और क्लोथ के अंदर जो लाइन कलर है उसको बॉडी कलर लेके थोड़ा सा डार्क करिए। और अब धोती के ऊपर आइए और लाइन कलर को धोती के कलर सिलेक्ट करके थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। इस तरह से एक अच्छा आउटलुक आ जाएगा। अब लेग के अंदर आइए और कैरेक्टर का जो बॉडी कलर है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर भी थोड़ा डार्क कर दीजिए। अब पाम का लाइन कलर भी आप चेंज कर दीजिए। अब फेस के अंदर जाइए और जहाँ जहाँ बॉडी कलर है वहाँ पर लाइन कलर चेंज कर दीजिए। और अब पगड़ी के अंदर भी जाइए और वहाँ पर भी लाइन कलर चेंज करिए। तो देखिए, धीरे धीरे एक अच्छा आउटलुक आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कैरेक्टर का शैडो बना रहा हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। शैडो बनाने के लिए जिस पार्ट में शैडो होगा उसके अंदर आइए और कंट्रोल जी प्रेस करके जितना एरिया शैडो होगा सबसे पहले वो बना लीजिए, इस तरह से। अब शैडो एरिया बनाने के बाद उस लाइन को कंट्रोल बी प्रेस करके ब्रेक करिए और शैडो कलर दे दीजिए। शैडो कलर बॉडी कलर से थोड़ा सा डीप होगा। अब हैंड के अंदर आइए और जितना एरिया शैडो होगा उतना एरिया आप पहले बना लीजिए। अब अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले कोई भी बॉडी पार्ट के अंदर आइए और कंट्रोल जी प्रेस करके जितना एरिया आप शैडो देना चाहते हैं वो बना लीजिए, और उसके बाद उस लाइन को ब्रेक करके जो कलर पहले से वहाँ पे है उससे थोड़ा सा डीप कलर ले लीजिए, और जितना एरिया शैडो होगा वहाँ पे वो कलर पेस्ट कीजिए और लाइन को डिलीट कर दीजिए। इस तरह से आप भी कोई भी कैरेक्टर में शैडो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे धोती में उसके कार्व के हिसाब से शैडो दिया हूँ। अब कैरेक्टर के पाम के अंदर आइए और यहाँ पर भी शैडो दीजिए। शैडो देने से पहले यहाँ पे जितना एरिया शैडो होगा वो लाइन बना लीजिए। अब उसको कॉपी करके पाम के हर एक पार्ट के अंदर जाके कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस करके एक ही जगह पे पेस्ट कीजिए और लाइन को ब्रेक करके बॉडी कलर को डार्क कर दीजिए और लाइन को डिलीट कर दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे कैरेक्टर में एक शैडो आ जाएगा। अब फेस के अंदर आइए और थोड़ा सा शैडो दे दीजिए। आप समझ गए होंगे, 2D कैरेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले एक ड्राइंग ले लीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से ट्रेस कर लीजिए। ट्रेस करते समय बॉडी के हर एक पार्ट अलग अलग ग्रुप में रखिए और उसके बाद उस कैरेक्टर को कलरफिल कर दीजिए और एकदम लास्ट में आप शैडो यूज कीजिए, तो एक अच्छा आउटलुक निकल आएगा। तो देखिए, ये विलेजर कंप्लीट हो गया है। तो ये था विलेजर कैरेक्टर मेकिंग का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे एक विलेजर कैरेक्टर बनाते हैं। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरह के एनिमेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एनिमेशन गाइड और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।